वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट हमारी बोली जाती है, चाहे टेस्ट हो चाहे वाइड बॉल क्रिकेट हो, ये तो फिर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग तो ना उसका लगा लो। ये मेरठ घंटे की जो साइड है, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये जो दो टके की घंटे की दो नंबर टीम है, और ये दो नंबर जो क्रिकेट बोर्ड है, ये बांग्लादेश से पहले अपने घर में। भाई मैं ये वर्ल्ड कप का लाइव नहीं कर रहा, ये मैं पाकिस्तान का भी T20 वर्ल्ड कप का लाइव नहीं कर रहा, ये मैं टेस्ट क्रिकेट का लाइव कर रहा हूँ जो हमारे घर में खेली जा रही है। मतलब हम लोग इतने गिर चुके हैं, हमारी टीम इतनी गिर चुकी है, हम लोग अब खुद इतने गिर चुके हैं। समझ नहीं आ रहा, और ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इतने अपने आप को ये नाराज हो जाते हैं कि जी हमारे ऊपर क्यों उंगलियां उठा दी, हम तो ये खेल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम डिग्गा कर रहे हैं, ये कोशिश है के साथ आप लोग खेल रहे हैं, और पांचवें दिन में आप लोग जाके अभी थर्ड इनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, अभी नहीं पता कि वो पूरी होगी या नहीं होगी। तो अब आगे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह से अगर आपके मैचेस हो जाते हैं, तो उन्होंने आपके तीसरे चौथे दिन में फटकार, तो तीन तीन दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म करता रहा, जीता भी रहा है किसी भी टीम के। इंडिया को आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, हम इंडिया को 1947 के बाद हम इंडिया को देखते हैं और खुद को देखते हैं हम कहां पे हैं। इसी तरह आप क्रिकेट को देख लें, इसमें मतलब आपने चार फास्ट बॉलर खिलाया और उसके बाद आप देखो 500 रन जाके कहां पर बांग्लादेश ने मारा है यार आपको, और फिर आपकी इनिंग भी आ गई और साइम अय्यूब फिर एक रन पर लौट गए। मिला मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना, मैं इस पूरी पाकिस्तानी टीम को जिसको कहते हैं ना इबरतनाक सजा दूंगा। कहां है जान मारना, कहां तगड़ी बॉलिंग, कहां तगड़ा रनअप, कहां घुरियां, एक बंदा 191 करके चला गया। आगे मजे पाकिस्तान को इस तरह। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके होम ग्राउंड में और होम जो देश है उसमें ही पूरी तरीके से धो डाला है। दोस्तों पाकिस्तान की काफ़ी गजब बेइज्जती हुई है पाकिस्तान को। पहले तो बांग्लादेश ने अच्छा खासा जो है वो लीड कर दिया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की दोबारा बैटिंग आई तो भाई उनकी जो पूरी विकटें जो है वो 200 के अंदर अंदर जो है वो उड़ गई, जिसके बाद से पाकिस्तानी की जमकर बदनामी हो रही है कि देखो किस प्रकार से वे अपने घर में भी एक लीग नहीं जीत पा रहे, एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं। कहां है जान मारना, कहां तगड़ी बॉलिंग, कहां तगड़ा रनअप, कहां घुरियां, एक बंदा 191 करके चला गया। मतलब अब जिस पिच के ऊपर आपको विकेट नहीं मिल रही, उस पिच के ऊपर बॉलर का क्या काम है, मुझे बताओ ना क्या काम है बॉलर्स का। भाई यही काम है ना, एक तो आपके अंदर कोई स्किल्स है ही नहीं ऐसी पिचेस के ऊपर, और विद कोको बुरा बॉल। जब किसी फास्ट बॉलर के पास स्किल्स नहीं होंगी, स्किल्स का मतलब क्या, ना आपको बॉल सीम करना आता है, ठीक है, ना आपने यॉर्कर्स ट्राई किए, ना आपने स्लोवन इतने ज्यादा ट्राई किए, ना आप राउंड द विकेट जाके बॉल इतनी कर रहे हैं, ना आप वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हैं, ना आप क्लोज द स्टंप जा रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट करता है कोई भी। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट हमारी बोली जाती है, चाहे टेस्ट हो चाहे वाइड बॉल क्रिकेट हो, ये तो फिर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग तो ना हुई, क्योंकि जो हमारे हालात दिखाए गए लास्ट 3 साल के अंदर, जो वर्स्ट थकी हुई पोजीशन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की विकेट्स लेने की, स्ट्राइक रेट 91, ग्रीन ट्रैक दिखा के वो फुदर फ्लैट ट्रैक निकलाया और बांग्लादेश ने पकड़ के हमें मार दिया। मुशफिकुर रहीम 191, मतलब लिटन दास ने कल नसीम शाह को एक ओवर में 26 रन मारा, नई बॉल के साथ उसने धागे खोल दिया नसीम शाह के, इनको इस शहीन अफरीदी को इस नसीम शाह को, मतलब पकड़ के इनकी उकाते याद दिलवा दी है। और ये बातें करते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, हम इंडिया को हराएंगे, भाई इंडिया इंडिया आपका बाप है, इतनी मेरी बात सुन लेना, वो क्रिकेट में आपका बाप है, वो बांग्लादेश को 100-150 भी नहीं करने देता, वो आपको 600 खा गए, अभी बांग्लादेश जाएगी ना इंडिया देख लेना सबके सामने, इसी बांग्लादेश के बैट्समैनों से रन्स हो गए तो मुझे पकड़ लेना आगे। आप तो आप बातें करते हो यार, आपकी शक्लों पर चिपेड़े मारनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, आप खत्म हो चुके हैं लोग, आप लोगों को क्या बंदा बात करे, ऊपर से कोई आउट नहीं हुआ उसे, और यही काम है इनका, एंड वाले आउट कर दें बस, एक दो तो चलो विकेटों के कॉलम में कुछ ना कुछ विकेटें आपको दिखती हुई नजर आ जाएंगी। ये है जनाब कहानी, और पूरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कमाल किया, और अभी चौथे दिन के इख्तिताम पे बांग्लादेश ने टॉप पे फिनिश किया। अभी आपने देखा ना, आप कह रहे हैं यार ये कोई टेस्ट मैच का मजा नहीं आ रहा, तो टेस्ट मैच खिलाया ना बांग्लादेश ने पाकिस्तान को, जो उन्होंने पाकिस्तान को बारी करवाई है, तो आप देख लेना इनको 31 गेंदों पे 12, 26 गेंदों पे 9, 10 ओवरों में 23, तो अब हो रहा है ना प्रॉपर टेस्ट मैच, ये है टेस्ट मैच। अब आपको नजर आ रहा है कि हाँ जी ये 2.25 के रन रेट से जो रन करे ना पाकिस्तान ने, अभी उन्होंने तिगनी का नाच नचवा के रख दिया। समझ नहीं आ रहा, और ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इतने अपने आप को ये नाराज हो जाते हैं कि जी हमारे ऊपर क्यों उंगलियां उठा दी, हम तो ये खेल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम डिग्गा कर रहे हैं, ये कोशिश है। एम्बेरसमेंट इज लोडिंग भाई साहब, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा शॉकर है कि ओ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था हमारे साथ, ये तो पता नहीं कौन सा आसमान आके और अजाब आके टूट गया। ये सब कुछ उसी तरह हो रहा है जो कि मेरे ख्याल से दिल के कोनों में कहीं ना कहीं कल सबके था कि कोई पता नहीं अब यहां से बांग्लादेश जीत के ना निकल जाए।
और अगर बांग्लादेश जीतता है इट वुड बी एन हिस्टोरिक इवेंट फॉर देम कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराए, पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेस्ट मैच हराए। और शायद वही वाली बात है ना कि हर दफा कहते हैं ऐसे झटके हमारे लिए जरूरी हैं। अबे अब तो इतने झटके लग चुके हैं कि 1313 दिन से, यानी 1313 डे है आज, पाकिस्तान इज विनलेस एट होम। पिछले 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान, ये तो नवा टेस्ट मैच है ना, 8 टेस्ट मैच जो बाबर आजम की कप्तानी के, 8 टेस्ट मैचों में 4 ड्रॉ, 4 हारे, एक भी ना जीत सके। पिछले 3 साल से ये टीम अपने घर में रेड बॉल क्रिकेट में कोई गेम नहीं जीत रही। व्हाइट बॉल क्रिकेट का हशर नशर तो आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड की डी साइड भी आ जाए वो भी आपको हरा के चली जाती है आपके ही घर के अंदर। वही कर तो कर क्या रहे हैं, हद हो गई है इनके ऊपर। मतलब 104 में 5 विकेट वाके बैठ गए ये लोग, जहां पे एकदम से वो रिजवान ने आके थोड़ा तेज हुआ 67 में 4 से, मुझे तो लगा था 100 भी नहीं करेंगे। एकदम जहां पे इनका मोमेंटम है वहां से इन्होंने जिसे कहते हैं ना बेड़ा गड़ करवा के बैठ गए। लो कमेंट आने लग गए, छटा भी गया। एक मिनट जरा, लो 6 आउट। आगा सलमान, लानत है, पहली बॉल पे डक हुआ है जनाब, पहली बॉल पे डक हुआ है। बंदा इनका करे तो करे क्या, यार ये क्या टीम है, पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं। साउथ शकील डक के ऊपर आउट होके जा रहे हैं, ये सलमान अली आगा पहली बॉल पे आउट होके जा रहा है। इनको थोड़ी सी शर्म नहीं रहेगी, थोड़ा सा इनके अंदर जिसको कहते हैं इज्जत नहीं रहेगी। ये कर तो कर क्या रहे हैं। वो बाबर आजम, शान मसूद आउट हुआ है, पहली बॉल थी, पहली बॉल के ऊपर उसका इतना बड़ा एज निकला, वो लितुन दास ने उसका कैच छोड़ दिया। बाबर आजम ने पहली बॉल पे आउट होना था। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान 2-0 जीतेगा और आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की पेशरफ्त हो जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेश ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की तमाम बैट्समैनों, खासतौर पर मुशफिकुर रहीम ने, क्या कहेंगे। कल आप कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश की टीम 100 या उससे ज़्यादा की लीड ले गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती। बात करूँ तो मैंने आपको कल भी अपने प्रोग्राम में यही कहा था और आज भी ये कह रहा हूँ कि उन्होंने आपसे बेहतर क्रिकेट खेली और वो स्टैट्स बोल रहे हैं। एक छोटी सी चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा कि हम दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान को जो है वो उनके घर में ही बांग्लादेश ने बुरी तरीके से हरा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी को काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वैसी ही रही है। दोस्तों पहली इनिंग में तो उन्होंने थोड़ा बहुत बेहतर जो है वो किया था, लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरी तरीके से मिट्टी प्ले दी कर दी, यानी कि बांग्लादेश की बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान पर बड़ी तरीके से भारी पड़ी है। और इसी के साथ बांग्लादेश ने बता दिया कि आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग करते रहते हो, लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हमारे पास है